गाइस, वेलकम बैक टू अशरफ प्लस चैनल। और आज ऐसे है कि आज मैं थोड़ा ठीक हूँ तो नीचे वाले घर पे आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मम्मी और दीदी ने कितनी अच्छी खेती बाड़ी की हुई है और क्या क्या लगाया है। और अभी दिखाती हूँ, मेरे को अभी गाइस आपको दीदी बताएगी कि दीदी क्या कर रही है। दीदी क्या कर रहे हो आप? ये कद्दू सौंफ होती है जो चाय में डाली जाती है, वो काट रही हूँ। उसको सुखाया जाएगा, फिर इसको निकाल के चाय के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छी होती है पेट के लिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अशिदा कहाँ पे है। ये रही अशिदा। अशिदा से हेलो। हमारे घर से पोंग डैम दिखता है और इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है। देखो अब थोड़ा सा आपको दिख रहा है, कभी इस पे ब्लॉग बनाऊंगी दिखाने के लिए। अभी दूर है, मैं जा नहीं सकती इतनी दूर, इसलिए जब थोड़ा ठीक होंगी तो आपको दिखाऊंगी अच्छे से। कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, कितना सुंदर फ्लावर है। ये रहे, ये भी है। कौन से वाले? हाँ वो वाले दिखाती हूँ, वो भी कितने प्यारे हैं, पर्पल कलर के। देखिए कितने प्यारे हैं, देखिए कितने सुंदर है। ये सारे जित्तू ने लगाए हैं, जित्तू को बहुत ज्यादा शौक है फ्लावर लगाने का। तो ये सारे इसने लगाए हुए हैं। और आशिदा बोल रही है हेलो गाइस, और आशिदा पूरा काम नहीं करने दे रही नानी को और मौसी को, वो कर रहे हैं अपना काम दासनी का। और आशिदा बहुत ज्यादा तंग कर रही है। ये देखो ये भी अभी थोड़े सूखने लग गए हैं। देखो आशिदा क्या कर रही है, क्या बोल रही हो आप? क्या बोल रही है ये? ओके फ्लावर दिखाती हूँ आपको, देखो वाव सच्चा ब्यूटी। देखिए कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर कलर हैं इनके। ये देखिए देख कितने प्यारे हैं, वाव। और रोज देखो कितना बड़ा बड़ा साइज है इनका, कितने सारे लगे हुए हैं। और इनका मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि सुखा के गुलाब जल बना लेते हैं, नेचुरल अपने घर का बन जाएगा। इसलिए भी ये सूखने भी लग गए बारिश के कारण, ना बहुत सारी खेती खराब भी हुई है। ये देखो हमारे घर में बीटरूट भी लगे हैं, और देखो दिख भी रहा है, देखो दस्ती जमीन में से निकल आया है। कब तक निकालेंगे इसको? खाने के लायक हो गया, खाने के लायक हो गया। एक निकाल लेंगे इसको, फिर थोड़ी देर के बाद एक दो दिन में निकाल लेते हैं इनको। पालक लगा हुआ है, पालक ही है ना ये? हाँ ये पालक लगा हुआ है। लगाए हुए हैं अनियन, और ये लगे हुए हैं बीन्स। ये बीन्स के पौधे हैं, अभी तो बहुत छोटे छोटे, अभी लगेंगे अच्छे से, अभी ये ग्रो हो रहे हैं। अनियन पाले लगे हुए हैं, मस्टर्ड के पौधे, यहाँ से इधर से मस्टर्ड के दाने निकलेंगे छोटे छोटे से, अभी कच्ची है ये। ये क्या रहे दो छोटे छोटे पौधे? जी किस चीज के पौधे मम्मी? ये कुकुम्बर का है, और ये है क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सुपैस का। अच्छा ये कहाँ पे लगाओगे अब आप? देखते हैं कोई जगह अच्छी मिलती है तो लगा देते हैं। चलो ये खुशी रखो, भी लेके चलिए इनको। चले हैं अच्छा, देखो इधर देखो, मम्मा की तरफ देखो। दित्तू लगी है इसको लगाने, दित्तू लगी है लगा, और देखो लग गया ये। अभी अशिदा होगी दित्तू से नाराज, क्योंकि दित्तू ने अकेले ही लगा दिया। क्या हो रहा है अशिदा और दित्तू, दो पौधे लगाए हैं, अब देखते हैं दोनों में से कौन से ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि एक आधा पौधा ही रहता है बाद में। इधर देखो दोनों,
बस हो गया सीधा, बस हो गया सीधा हो गया। चलो हमारे घर में कितने सारे पैरेट हैं, मैं अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं पेड़ पे, मेरे ख्याल से 7-8 बैठे हुए हैं। अभी जूम करके दिखाते कितने सारे। अच्छा वो देखो पैरेट, अच्छा वो देखो पैरेट, आओ मैं दिखाऊँ आपको, इधर आओ। देखो अशिता क्या कर रही है, दत्तू यहाँ पे काम कर रही है, सौंफ को निकाल रही है, और अशिता को देखो क्या कहाँ खड़ी है जाके। आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, देखो हेलो करिए, इसको पता है कि कैमरा ऑन हुआ तो मैंने हेलो बोलनी है, हाथ ऐसे। अशिता क्या कर रहे हो, इधर आके बोलो ना, क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। अच्छा और दत्तू आप क्या कर रहे हो, दोनों दत्तू कर रही है काम, अशिता कर रही है काम, वो मैं कर रही हूँ आराम। अभी यहाँ पे सो भी जा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं आप रेस्ट करो, आप बाहर मत आओ, लेकिन अशिता की वजह से मुझे आना पड़ा। अशिता के थोड़ा सा सैर करने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने आप कि इवनिंग वॉक करो आप, इसलिए देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई देखी उड़ेगी, कितनी प्यारी लग रही है। तो ये क्या लगा है यहाँ पे, ये मुंगरे होते हैं जो मूली होती है उसके बीज जो होते हैं वो इसी में तैयार होते हैं। अच्छा इसका क्या बनता है, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है और इनकी बहुत अच्छी चटनी बनती है और बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है ये। ओके ये मुंगरे और वो क्या है, वो मेथी है ना, मुझे मेथी की तरह मेथी है, हाँ वो मेथी। और यहाँ पे देखो बटरफ्लाई क्या करी, और देखो दत्तु पकड़ने की कोशिश करी बटरफ्लाई को, और ये दत्तु ने पकड़ ली बटरफ्लाई, और ये आशिदा को दे दिया। पिछले 10 दिनों से आशिदा मेरे पीछे पड़ी है कि बटरफ्लाई पकड़ो बटरफ्लाई पकड़ो, बटरफ्लाई लेनी है बटरफ्लाई, और आज फाइनली मैं इसमें कामयाब हुई हूँ। आशिदा को देखो इस साइड आओ, इस साइड आओ, पकड़ो 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 पकड़ो, दो 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 दो, ऐसे ही पकड़ो, हैंड टू हैंड आगे करो, हैंड टू हैंड। आपने तो बोला बटरफ्लाई लेनी है, रोज ही तो बोलते थे तू बटरफ्लाई पकड़ो बटरफ्लाई पकड़ो। डूम डूम तो आना है, कितने करती है देखो, छोड़ दो फ्लाई कर दो। ये ओ गई, ओ हो गई, बस अब मत बोलना दित्तू बटरफ्लाई पकड़ो।